नमस्कार। जून के महीने में लास्ट में 29 जून को जब शनि वक्र गति में अपनी गति को चलाने में तैयार हो जाएगा, पूर्ण रूप से अपने रथ को लेकर के वक्र स्थिति में चलेगा, तो सबसे महत्वपूर्ण राशि जो इनकम हाउस की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मीन राशि होगी। मीन राशि महत्वपूर्ण राशि क्योंकि इनके भाग्य स्थान को देखने वाला मंगल आ चुका है अपने मूल त्रिकोण राशि में तथा भाग्य को उन्नत करता है। साथ ही साथ जिस सब्जेक्ट को लेकर के हम यहाँ आए हैं कि तिजोरी की चाबी मीन राशि के पास होगी, जैसे कि कोई क्रिकेट के मैच में कोई मैन ऑफ द मैच होता है या सरकारें जब बनती है तो सरकार की गठन करने की जो ताकत और चाबी होती है किसी एक दल के किसी नेता के पास होती है, वही चाबी वर्तमान समय में शनि के वक्री होने से मीन राशि के पास आने वाली है। कारण क्या है? जब शनि वक्री होता है तो वक्र गति से रेट्रोग्रेड मोशन में एक घर पीछे, फॉरवर्ड मोशन का मतलब मार्गी, अगले सामने की तरफ देखना। आप ये समझिए जैसे जो गाड़ी बैक गियर में चलती है, तो अभी जो शनि का जो रथ है वो बैक गियर में जाएगा। शनि के जो घोड़े हैं आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे पशु नहीं हैं संसार में जो बैक चलते हों, सिर्फ घोड़ा चल सकता है और शनि का कारक घोड़ा माना गया है। घोड़ा जो है शनि का ही प्रतिनिधित्व करता है, उसके ऊपर कृपा रहती है। जिसका शनि सबसे मजबूत होता था राजा महाराजाओं के समय में, वो घोड़े पर चलता था, यानी कि आपने सुनी होगी वो लाइन, राणा की पुतली हिली नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। राणा प्रताप घोड़े पर चलता था और गजकेसरी योग वाला राजा हाथी के ऊपर चलता था। गजकेसरी योग, गज मुक्ता मणि, बड़ा सुसज्जित हाथी होता है, ऐरावत हाथी जैसा होता है। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति का शनि बहुत मजबूत होता है वो उसको बहुत उन्नति, तरक्की, मान सम्मान, वैभवपूर्ण तथा प्रभुत्व बढ़ाता है। प्रभुत्व कैसे प्रभुत्व बढ़ता है कि उसका नगर में, ग्राम में, प्रदेश में, प्रांत में, देश में, राज्य में आधिपत्य होता है, कीर्ति पताका फैलती है। ये है यश प्रतिष्ठा का द्योतक शनि। लेकिन अब हम इतनी सारी व्याख्या क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शनि एकादश भाव में बैठकर शत्रुओं को जीत लेता है, आने वाली मार्ग में सभी बाधाओं को समाप्त कर देता है। जैसे समझिए एक गाड़ी अंधेरे में खड़ी है और उसकी लाइट जलाओ तो सामने रोड मार्ग प्रशस्त हो जाता है, दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार से बृहस्पति ग्रह की पूर्ण दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर है और मंगल अपनी स्वग्रही दृष्टि और कांति युक्त, आभा मंडल युक्त बृहस्पति भी भाग्य स्थान को देख रहा है। कोई मना नहीं कर सकता दुनिया में इस बात को कि मीन राशि के भाग्य को ये दो ग्रह नहीं देख रहे हैं, देख रहे हैं 100%। साथ ही साथ जब एकादश भाव का फल देने वाले शनि देव के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, भगवान शिव की शक्तियां हैं, हनुमान जी की कृपा भी शनि के ऊपर है, इसीलिए हम बार बार जोर देते हैं हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए,
ना से रोग हरे सब पीरा, क्योंकि शनि जो समर्थन देता है इस बात का और शपथ भी देता है, एश्योरेंस देता है, हनुमान के भक्त को शनि त्रास नहीं देता। और जो शनि स्तोत्र पढ़ता है, पिपलाद ऋषि ने ये वरदान दिया हुआ है, शनि उनको कष्ट नहीं देगा। ये टर्म्स एंड कंडीशंस शास्त्रों में लिखी हुई है, ये कपोल कल्पित बातें नहीं है। अब हम शनि की 7.5 से सबसे ज्यादा व्यथित, पीड़ित, दुखी, अशांत, हानिकारक समय चल रहा है जिसका, वो शनि है, मीन राशि है, क्योंकि 12th हाउस में शनि आपके लिए कष्टकारक बना हुआ है। पैरों में कष्ट, व्यर्थ के झगड़े, झूठे आरोप, मन अशांत, मैरिज लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी है। सब आदमियों की एक सी प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज डिपेंड अपॉन द प्लेनेटरी पोजिशन इन योर हॉरोस्कोप। अपनी कुंडली में आपके जो समस्याएं हैं, अब सबकी, मीन राशि वालों की, सभी एक की दशा एक जैसी नहीं है, सबकी एज ग्रुप अलग अलग है, सबका नक्षत्र एक नहीं है, सबके लगन एक नहीं है, सबकी महादशा नहीं है, और सबकी कुंडली में एक जैसे ग्रह भी नहीं है। इसीलिए जिनका राहु खराब है वो दाम्पत्य जीवन से संबंधित समस्याएं हैं, जिनका 12वें भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है कुंडली के अंदर उनको 12th हाउस हानि से संबंधित समस्याएं, किसी का पंचम में है तो संतान से जुड़ी हुई समस्याएं, स्टूडेंट्स हैं तो एजुकेशन की परफॉर्मेंस में डिस्टर्बेंस, और डिपेंड करता है किस घर में कौन सा ग्रह है, उसी के अनुसार आपका भाग्य बनता और बिगड़ता है। परंतु ये अकाट्य सत्य है, वन प्लेनेटरी बेस्ड प्रिडिक्शन है ये, यानी के अथाह संपदा, मान सम्मान, तरक्की, जायदाद, प्रॉपर्टी तथा भाग्य को उन्नत करने के लिए जो रेट्रोग्रेड मोशन में जब शनि की पोजीशन होगी, ये 29 को, उस समय से पहले ही आपको लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। कारण क्या है, क्योंकि पाइसिस जो मीन राशि है, इसका जो लॉर्ड है वो बृहस्पति, अपने भाग्य स्थान को देख रहा है, लेकिन लाभ स्थान में लिखा है शास्त्रों में। एकादश भाव में त्रिकटे एकादशे शनि सर्वारिष्ट निवारणम, सारे अरिष्टों को, पापों को, कष्टों को ऐसे दूर करता है जैसे कि भगवान का सुदर्शन चक्र जब चलता है तो उसके सामने जिसकी भी गर्दन आती है या कोई व्यवधान बाधा आती है सबको साफ कर देता है। ठीक इसी प्रकार अकेला शनि कई हजार दोषों को दूर करता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। लेकिन अब जो आप तिजोरी की चाबी और लेकर के आप इस दौरान रहेंगे तो अपने आप को बहुत सिक्योर रखना, अपनी मन की गुप्त योजनाओं को किसी के समक्ष प्रकट नहीं करना, अन्यथा आपकी प्लानिंग फेल हो जाएगी। जब राहु मीन राशि में होता है ऐसा व्यक्ति रहस्यमय तथा गुप्त रूप से योजनाएं बना करके शत्रुओं पर हमला करता है। लेकिन आपको शत्रु किसको समझना है, बाहर वालों को, आपका आलस्य शत्रु है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वायम नावसीदति, यानी के जो अपने परिवार के लोग हैं, दाम्पत्य जीवन है, उसको सुरक्षित रखो। जो आपके शत्रु हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, आलस्य, ईर्ष्या, मद, मत्सर, ये सब अपने निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। जो आपकी कमियों को बताता है उसकी बात जरूर मानो। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।